का बैर। जो पति घर लेट पहुंचता है, पिटता है अगर करता है घर पहुंचने में देर, लेकिन आज जिसकी बात कर रहे हैं गुरु, जब ये गाता है तो लगता है दहाड़ रहा है शेर। ठोको तारीफ और कैलाश खेर को। मैं आप सबको ही लकी का इंट्रोड्यूस कराता हूँ। लकी को जब अपनी गर्लफ्रेंड, होने वाली गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना होता था तो कौन सा गाना गाते थे? सैया। ओके, अब हमें पता चलता था कि उस लड़की का ऑलरेडी कोई और बॉयफ्रेंड है, फिर दिल टूट जाता था। तो फिर गाना कौन सा निकलता था? यार रब्बा तेरे कोई नाम भी नजर और फिर आपका कोई अच्छा सा बेस्ट फ्रेंड जिसे गिटार बजाना आता हो, वो आपके पास बैठ के आपको मूव ऑन करने के लिए सहारा देता था, कौन सा गाना गाता था? अल्लाह के बंदे हंसे। सो वी हैव दिस गाय जिसने बचपन से लेकर जवानी तक हमारा बहुत साथ निभाया है जाने अनजाने में। आज कैलाश खेर हमारे साथ एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। से कैलाश खेर हमारे साथ इस स्टूडियो में यहाँ पर FeverFM पर लाइव मौजूद है, वो एक बहुत हायर पर्पस है, वो एक ऐसा उद्देश्य है जिसके जो हम सबको एक साथ कनेक्ट करता है, बांधता है, और वो है देश। क्योंकि कैलाश खेर कहते हैं पहले देश फिर शेष। सो आइए जी, तो पहले आप सबको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्ते। ये दिल्ली है, ये मेरी नगरी है, मैं यहाँ जन्मा पला बड़ा और अब मैं बॉम्बे में रहता हूँ। बहुत बदल गया है दिल्ली शरद, और अब तो शरद भी शरद नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है कि डीले हो रही हैं सारे मौसम। पहले ठंड दिसंबर में आती थी, अब जनवरी में आती है, अब धीरे धीरे फरवरी में पहुँच जाएगी। पता लगा बाद में जिक्र हुआ करेगा कि भाई ठंड भी होती थी पहले। तो यहाँ से प्रारंभ करता हूँ। भारत के वीर मेरा एक जुनून है, एक्चुअली ये कोई कृत्य नहीं है, क्योंकि लाखों गाने बन रहे हैं इस दुनिया में, और अभी तो जब से ये डिजिटल मीडियम प्राप्त हुआ है पृथ्वी को, जब से ये सोशल मीडिया नाम की एक प्यारी सी एक चीज इवॉल्व हुई है, तब से तो हर बाथरूम सिंगर भी एक प्रोफेशनल सिंगर के रूप में उभर चुका है। और उसके निमित्त ये बने कि रोज गाने बन रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ, क्योंकि लोग जो फालतू की बात भी करते थे, अब वो भी एक जरिया बन रहा है कि इसको भी मैं कमर्शियल कर लूं क्या, मैं भी स्टैंड अप हो जाऊं क्या कॉमेडी। तू तो खुद ही कॉमेडी है, तू स्टैंड हो या बैठ जा। तो ये सब होता है, जहां इतनी सारी चीजें हो रही है वहां कुछ ना होना बहुत बड़ा मेडिटेशन होता है। तो ये मेरा कुछ ना होना है, एक्चुअली भागती हुई दुनिया को स्तब्ध कर देना, तटस्थ कर देना, रोक देना, ये है। हमें फुर्सत कहाँ है अब हम बड़ों का सम्मान करें, क्यों? क्योंकि अब हम चांद पे जा रहे हैं, हमने मसाइलें बनानी है बस, अभी इंसानियत बनाने की जरूरत नहीं लग रही हमको। तो पहली पौड़ दी छोड़ वो छत पे दौड़ लगाना चाहे, और एक एक पैड़ी चढ़े बिना मंजिल को कैसे पावे। तो ये मेरा भारत है, ये मेरा भारत है, ये मेरा देश है, ये मेरी मिट्टी है, और इस मिट्टी के जो रक्षक हैं उनको मैं परमात्मा का दूत मानता हूं, वो दाता के मैसेंजर ऑफ गॉड हैं भेजे हुए। तो ये मेरे हृदय में थी बात, क्योंकि जब तक जब भी हम बचपन से इस तरह के गाने सुने हैं जो वीरता के, सेनानियों के लिए, सैनिकों के लिए, उनमें कुछ बात ऐसी थी जो मैं और कहना चाहता था, मेरे तरीके से कहना चाहता था। तो ये समय आया, हम लोग होम मिनिस्टर स्टेट हैं किरण रिजिजू जी, उनके साथ एक कॉन्सर्ट करने गए थे बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश बुद्ध महोत्सव में। वहाँ पर ये जिक्र हुआ कि भारत के वीर एक ऐसी वेबसाइट शुरू की है होम मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसमें जो भी शहीद होते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, जो बलिदान दे देते हैं अपने जीवन का हमारे जीवन के लिए, अलग अलग विषम परिस्थितियों में, दुर्लभ परिस्थितियों में, और ऐसी ऐसी मनस्थितियों में जहां हम कल्पना भी ना कर सके, तो ये उनको सपोर्ट करने का एक प्रावधान है भारत के वीर। और इसमें क्या है,
भारत सरकार सामान्य जन को भी आमंत्रित कर रही है कि ऐ मेरे दिलदारों, आप भी इसका हिस्सा बनिए और चाहे 100 रुपया दीजिए, चाहे करोड़ दीजिए, जितनी आपकी सामर्थ्य है आप इस यज्ञ का हिस्सा बनिए, आहुति दीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में प्यार तो बिना ट्रेनिंग के सब लोग कर ही रहे हैं, कोई ट्रेनिंग लेके आ नहीं रहा, लेकिन दह धड़ाधड़ प्यार है, प्यार चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब दुनिया में वो चीजें जो लोग बिना ट्रेनिंग के कर रहे हों, उसके बाद एक दुनिया है जी, आप सब समझदार लोगों, बिना ट्रेनिंग के जो होता है वो परमात्मा कराता है, बाकी सब जो ट्रेनिंग चल रही है वो तो एक दिमाग की उपज होती है। ये जो समर्पित एक बिरादरी है जिनको हम मैसेंजर ऑफ गॉड कहते हैं, ये कौन है, ये कहां से आते हैं, ये कैसे अपना जीवन उस स्थिति पर, जब इस बिल्डिंग में यदि परमात्मा ना करे कोई आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, जलजला आ जाए, आग लग जाए, सबसे पहले कौन कूदेगा यहां, बिना सोचे समझे ये लोग कूदते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के सारे, जितने भी हमारे नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जुनून का कोई भी नाम दे दो, जुनून जुनून ही होता है। ये वो लोग हैं, जब उनको ये पता लगा, भारत जो है भावुक लोगों का देश है शरद, एक से एक दिलदार दिमागदार लोग हैं, लेकिन दिमागदारों पे भारी पड़ता है दिलदार आदमी, और दिलदारों की हमारे यहाँ कमी नहीं है, बस उनको समझ आ जाए, और समझ सबको आया पड़ा है, क्योंकि दिमाग का खेल है। तो देखो काम दिल कर रहा है, लेकिन असली में जो ओके लिख के भेज रहा है, टेस्टेड ओके, वो दिमाग भेजता है। आप लोग अपने प्राण भी दे देंगे यदि कोई गर्लफ्रेंड बन जाए तो, और अगर दादी गिर पड़े तो बदो बार सोचेंगे, अरे उठाएं ना, थोड़ी देर पड़ी रहने दे, बहुत तंग कर रही थी दादी। तो कई बार आपका दिमाग अप्रूव कर दे तो दिल अपने आप बहने लगता है। तो ये वाली जो भारत के वीर संस्था है, इस पर यदि आप सब 100-100 रुपया भी जोड़ दे तो भारत में इतने सक्षम लोग कम से कम 100 करोड़ तो होंगे, 150 करोड़ में कुछ बच्चे होंगे, कुछ मान लीजिए ऐसे होंगे जो डिपेंडेंट, यदि हमारे पास पैसे नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है वो श्रम दान दीजिए, जिनके पास श्रम भी नहीं है तो अपनी आत्मा दीजिए, अपनी स्माइल दीजिए, अपना अपनी दुआएं दीजिए, ऐसी चीजों का ये परमात्मा की तरफ से एक यज्ञ हो रहा है। मैं तो बोलता हूँ भारत के वीर एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रकल्प है, इस प्रकल्प में संकल्प लेकर यदि हम चले तो ये ऐसा हो जाएगा कि साहेब सारे पॉलिटिकल फंड्स एक तरफ हो जाए और भारत के वीर का फंड एक तरफ हो जाए। भारत में इतनी शक्ति है, आप लोगों में इतनी शक्ति है, मेरी ये निवेदन है, जितने भी लोग स्टारबक्स में जाके कॉफी पीते हैं एक दिन ना पिए, और 100 रुपया मैं बोलता हूँ मिनिमम राशि, भारत के वीर के नाम आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ, 100 रुपया मिनिमम, बाकी जितनी श्रद्धा जितनी जिसकी जेब मेरी तरह गर्म गए वैसा हेल्प कर लीजिएगा बाद में, तो ये करिएगा और भारत के वीर का हिस्सा बनिए जैसे मैं बना हूँ। मैं थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो गया जब मुझे बताया ये ऐसा करना है, तो मैंने इसमें 2-4 प्रकार के लिरिक्स लिखे, लिरिक्स लिखने में भी मैंने नए शब्द गढ़े पहले, तो मैं हाँ वो देखिए जी, जब कोई कार्य आप मस्तिष्क से करते हैं तो आप सोच कर और ऐसे एकदम तल्लीन होकर करते हैं, जब आप हृदय में घुसते हैं तो आप ध्यानस्थ होकर करते हैं, क्योंकि दाता कराते हैं फिर, तो उस तरह से फिर शब्द बनते गए, नदी की तरह बहते गए, आत्मबल बाहुबल देह बल बुद्धि बल तेज बल ओज बल सोच बल माया बल धरा प्रवीर को लालों के लाल को, देखिए वहां तो गिरने भी लगे, धरा प्रवीर को लालों के लाल को, सच्चे सपूत को दहके प्रवाल को, नमन है तुमको हे भारत के वीर, हे भारत के वीर, हे भारत के वीर, फिर खून खोला तो बस दुश्मन की है शामत, भारत की
किसी पर कभी आक्रमण करता नहीं। इतिहास उठाइए, युगों युगों से भारत सबसे पूरा पाषाण काल का देश है हमारा। पूरा पाषाण काल मतलब जब तक हिस्ट्री भी नहीं थी तब से मेरा देश है। मोहन जोदड़ो तब अमेरिका कहीं थे ही नहीं, कोई जानता भी नहीं था। 500 साल पुराना है अमेरिका को साहेब, हमारा लाखों करोड़ों इतिहास साल पुराना ये भारत इसका नाम है। तो हावी है जब आफतें, भारी है जब ताकतें, फिर खून खोला तो बस दुश्मन की है शामतें। हम उंगल करते नहीं, लेकिन अगर उंगल करी तो भाई उंगल फिर हम धीरे धीरे काटते हैं एकदम नहीं। तो तब हमने लिखा कि धरती के दूतों रक्षकों, मेरे दाता के अवधूतों, भारत के वीरों सैनिकों, तुमको नमन, तुमको नमन, तुमको नमन। नेहा जी, आज ये मेरे लिए गर्व की बात है कि आपसे बात हो पा रही है। नेहा जी, अब आप जो भी कहेंगी वो सीधे कैलाश जी और लाखों करोड़ों ऑडियंस तक पहुंचेगा। Over to you, नेहा जी। नमस्कार कैलाश जी, मैं नेहा त्रिपाठी, शहीद सीआरपीएफ कमांडेंट प्रमोद कुमार की वाइफ। मेरी शादी लव मैरिज थी, एक्चुअली वी वर नेबर, देन वी फाइनली डिसाइडेड दैट वी विल गेट मैरिड। वी हैड अ वेरी सक्सेसफुल 8 इयर्स मैरिड लाइफ एंड प्रमोद वाज वेरी रोमांटिक, सो आई एम लकी वाइफ टू हैव हिम। आई ऑलवेज से दैट आई एम अ प्राउड वाइफ ऑफ अ ब्रेव सोल्जर। 15 अगस्त सन 2016 नेहा जी, ये दिन मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए एक बहुत ही दुखद दिन था। क्या हुआ था उस दिन? That unfortunate day, 14th को मेरे हस्बैंड से मेरी बात हुई थी। मैं थोड़ी बीमार रह गई थी तो मैं अपने फादर के पास थी उस वक्त, तो कॉल मी अप ऑन 14th। उन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि मैं तुमसे आज बात करूंगा। मैंने कहा कि यार मैंने स्लीपिंग टैबलेट्स ले ली, आई वॉन्ट टू स्लीप, बट ही केप्ट ऑन इंसिस्टिंग। उसके बाद मैंने फोन उनका रख दिया, काफी देर तक बातें हुई हमारी, पर फोन रख दिया। 15 को सुबह चुकी, वो थोड़े नाराज हो गए थे तो मैंने उनको जल्दी फोन किया था 8:30 बजे, बट उन्होंने फोन पिक नहीं किया। उसके बाद 2-3 बार कॉल करने के बाद में मैं जा रही थी कि नौहाटा में एक एनकाउंटर हुआ है टेररिस्ट के साथ में, तो मैंने कंट्रोल रूम फोन किया, तो वहाँ एक सिपाही जो कंट्रोल रूम में बैठा था उसने ऐसे बोला, सर मैडम का फोन है, एंड ही स्टार्टेड वीपिंग। तो मैंने बोला कि क्या हो गया, बताओ क्यों रो रहे हो? तो उसने मुझे बोला कि मैम साहब को गोली लग गई है। मतलब झटका तो मुझे बहुत लगा, पर मैंने अपने आप को संभालते हुए बोला कि कहाँ गोली लगी? तो उसने बोला मैडम सर को सर पे गोली लग गई है। मेरे तो हाथ से फोन गिर गया, आई वॉज शॉक। 2-3 मिनट के बाद मैंने अपने आप को संभाला क्योंकि मेरी 6 साल की बेटी मेरे साथ थी। सर पे गोली लगी थी, फिर भी मन में कहीं ना कहीं ये था कि शायद बच जाए 1%। जब मेरे घर में छोटा सा पूजा करना बैठा, मैं वहां दौड़ी, मैंने वहां पे महामृत्युंजय का जो मंत्र है वो बोलना स्टार्ट किया कि भगवान प्लीज उसको बचा लो। उसके बाद आधे घंटे बाद में देयर वाज एन ऑफिशियल डिक्लेरेशन थी, प्रमोद कुमार इज मार्टर्ड। तो 16th को उसकी बॉडी आई, सब लोग नारे लगा रहे थे जब तक सूरज चांद रहेगा प्रमोद कुमार का नाम रहेगा। पर सारी भीड़ में अकेले से नहीं सोची थी क्या कर दिया, मतलब माय डेस्टिनी मॉक एट मी, द लव ऑफ माय लाइफ टर्न टू एशेस इन फ्रंट ऑफ माय आई। आई एम सो सॉरी नेहा जी, सिर्फ आप ही ने उस दिन अपना पति नहीं खोया, हम सब ने, इस पूरे देश ने अपना एक होनहार, एक बहादुर सिपाही खोया, जिसने शायद लड़ते वक्त ये भी नहीं सोचा था कि घर पे उसकी बीवी, उसकी 6 साल की बेटी उसका इंतजार कर रही है। उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी और वो था देश। नेहा जी, प्रमोद कुमार जी का ये जो अल्टीमेट सैक्रिफाइस है, जो सुप्रीम सैक्रिफाइस है, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज कैलाश खेर हमारे साथ हैं, जिन्होंने हमारे ऐसे ही भारत के अनेकों वीरों के लिए एक एंथम बनाया है, एक गीत बनाया है, जो वो डेडिकेट करते हैं प्रमोद कुमार जैसे ही निडर बहादुर भारत के वीरों को। नेहा जी, आप कैलाश जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कैलाश जी, मैं कहना चाहूंगी कि संगीत का एक फौजी की लाइफ में क्या रोल होता है। जैसे मैं एक आपको छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी कि आई वाज लुकिंग, एक सोल्जर खड़ा था मोर्चे पे, ठीक है, और उसके सामने से एक नवजात बच्चा, बिल्कुल छोटा सा, उसकी माँ लेके
उसको गई, तो उसने ना कुछ एक दो लाइन गुनगुनाया। मैं हंस रही थी तो उसने बोला कि मैडम ये बच्चे को देख के मुझे अपना बच्चा याद आया जो पैदा हुआ है, मुझे छुट्टी नहीं मिली, मैंने उसको देखा नहीं है, मैं अभी वही सोच रहा था कि वो भी इसकी तरह ही होगा। तो ये जो फीलिंग थी उसके मन में, इसको भी उसने संगीत से ही बाहर निकाला। थैंक यू वेरी मच कैलाश, जो कॉन्ट्रीब्यूशन आपने भारत के वीरों के लिए किया है, इट रियली मीन्स अ लॉट। हम सब हिंदुस्तानी अपनी अपनी कैपेसिटी में, अपनी अपनी काबिलियत से जितना थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और भारत के वीर इसी प्रोसेस का एक नतीजा है। दुनिया जी, ये भारत के वीर जो इनिशिएटिव शुरू हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब मैं अपना बैंक अकाउंट चेक करती हूँ, आई सी स्मॉल अमाउंट लाइक रुपीज 150, 100, तो ये बेसिकली किड्स करते होंगे। दिस जेस्चर टचेस मी अ लॉट, के हर बच्चे के मन में है दिस पर्सन गेव हिज सैक्रिफाइस फॉर दिस कंट्री, सो इट्स आवर ड्यूटी टू लुक आफ्टर हिज फैमिली। तो इट मींस अ लॉट, बहुत और बहुत सपोर्ट होता है, बहुत अच्छा काम है। वी बाय दिस यू आर सिक्योरिंग द लाइफ ऑफ सो मेनी पीपल, आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। हर महीने जब छोटी छोटी रकम मेरे अकाउंट में आती है, आई फील सो गुड के पीपल हैव नॉट फॉरगॉटन द मोस्ट सैक्रिफाइस, एंड दिस इज द थिंग आई वांटेड। ये अच्छा लगता है देख के कि नहीं, अभी लोग भूले नहीं है और शायद नहीं भूलेंगे। थैंक यू कैलाश के, थैंक यू वेरी मच।